पर नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ यशवंतपुर रेलवे स्टेशन में। कहते हैं कि बेंगलोर का सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से एक माना जाता है, जहाँ पे आप KSR रेलवे स्टेशन, यशवंतपुर रेलवे स्टेशन और साथ साथ में बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन, ये सभी रेलवे स्टेशन में अधिकतर जो ट्रेन है वो अलग अलग जगह पे जाती है। तो 3-4 रेलवे स्टेशन में डिवाइडेड है पूरा बेंगलोर सिटी, इसमें से एक आता है यशवंतपुर रेलवे स्टेशन। अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे यशवंतपुर रेलवे स्टेशन है। कैसे आएंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हो और क्या यात्रा रहेगा, रेलवे स्टेशन में क्या सुविधाएं हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला है। साथ साथ में बता दें कि यशवंतपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड YSR, जब भी आप करेंगे सर्च तो मिल जाएगा, जहाँ पे 6 जो है प्लेटफॉर्म है और 8 ट्रैक बनाए गए हैं। अलग अलग जो ट्रेन है वो यहाँ पे आती है। दिल्ली वगैरह के लिए अगर आपको जाना है बेंगलोर से, तो यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से बहुत सारी ट्रेनें चलती, जो कि संपर्क क्रांति या फिर और भी जो ट्रेन है, क्योंकि यहाँ से जो है हैदराबाद होते हुए ये दिल्ली के लिए जाती है। और साथ साथ में पार्किंग की जो व्यवस्था है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर हम मेट्रो स्टेशन की बात करें यहाँ पे पहुँचने के लिए, तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो आपको पड़ेगा यशवंतपुर मेट्रो स्टेशन, जो कि जस्ट नज़दीक में है। यानी कि मेट्रो स्टेशन से उतरेंगे और सामने जो है आपको पड़ जाएगा रेलवे स्टेशन। तो ये है मेट्रो स्टेशन और इसी के सामने में ये रेलवे स्टेशन, जहाँ पे आप इन करेंगे। रेलवे स्टेशन की सुविधाएं देखिए कुछ इस तरीके से है, जो कि ये सामने के लोकेशन में आपको मिल जाएगा खाने पीने का सामान, यानी कि जूस और स्नैक्स के लिए, और इसी के सामने में प्योर वेजिटेरियन का एक रेस्टोरेंट मिलता है। ये जो क्षेत्र है ये पूरा बड़ा क्षेत्र में बनाया गया कुछ इस तरीके से, बहुत ही खूबसूरत है। और ये पूरा स्पेस जो है ये पार्किंग एरिया, यानी कि यहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क होती है। साथ साथ में जब कभी भी आप कैब के माध्यम से आएंगे तो इसी जगह पे आपको छोड़ा जाएगा, या किसी को लेने के लिए आ रहे हैं तो इसी जगह पे आपको छोड़ा जाएगा। ये मेन जो है साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में आता है यशवंतपुर रेलवे स्टेशन, जो कि ये एंट्रेंस गेट है, यानी कि यहाँ से आप इंटर लेके और फिर जो रेलवे स्टेशन है उसके अंदर आप जा सकते हैं। तो कैब वगैरह यहीं से चलती है, 2-व्हीलर पार्किंग और 4-व्हीलर पार्किंग ये भी हम आपको इस वीडियो में आपके दिखाते हैं। तो ये देखिए, आप रेलवे स्टेशन के अंदर जाएंगे तो हम आपको दिखा देते हैं अंदर कैसे जाएंगे। देखिए यहाँ पे कूली वगैरह भी मौजूद रहते हैं, जो कि जो भी आपको अगर कुछ ऐसा ज़्यादा सामान हो तो आप कूली के माध्यम से भी आप जो है बाहर जो है ले जा सकते हैं। और ये सामने मेट्रो स्टेशन है, जस्ट अपोजिट में है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ये रेलवे स्टेशन का मेन एंट्रेंस गेट है, यानी कि यहाँ से आप इन करेंगे और इन करने के पश्चात ही क्या क्या सुविधाएं वो भी हम आपको दिखा देते हैं इस वीडियो में। देखिए यहाँ पे इन करेंगे तो EVM मशीन मिल जाएगा, यानी कि जिससे आप टिकट वगैरह जो है आप खुद से ले सकते हैं। जब कभी भी आप आते हैं रेलवे स्टेशन तो यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा। ये सामने जो है 2-3 जो है EVM मशीन लगाया गया है, जहाँ से 8 EVM मशीन से आप जो है टिकट आप निकलवा सकते हैं। और ये जो है आपका स्क्रीनिंग है, जहाँ पे कौन सी ट्रेन है कब आ रही है वो आपको दिखाई देगा, कि ट्रेन नंबर के साथ साथ में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। रेलवे स्टेशन के अंदर यहाँ से आप इन करेंगे और इन करने के पश्चात ही प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 5 की ओर जाना है, तो आपको सामने जो आपको लोकेशन दिख रहा है वहाँ पे आप ऊपर चढ़ के जा सकते हो। तो यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो स्टार्ट होता है। ये मशीन लगाया गया ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, जहाँ से आप टिकट वगैरह ले सकते हैं। और इधर अगर आप बात करें तो ये वेटिंग एरिया है, जहाँ पे वेट कर सकते हैं, यानी कि बैठने की सुविधा है। और रिजर्वेशन टिकट कराना है तो ये आपको जो सामने लोकेशन दिख रहा है यहाँ पे रिजर्वेशन टिकट आपको मिल जाएगा, और साथ साथ में रिजर्व टिकट जो है ये दोनों काउंटर में आप ले सकते हैं। और जनरल टिकट कहाँ पे मिलेगा वो भी हम दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे डायग्राम दिया गया है, जो कि कौन सी ट्रेनें कब चलती वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये रेलवे स्टेशन के अंदर जाने के लिए सामने के लोकेशन में मिल जाएगा, जहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म में खाने पीने की सुविधा और ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम आपको अंदर ले चलते हैं थोड़ा सा और आके, और वहाँ पे भी दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है। ये वाले लोकेशन में देखिए पहला बिल्डिंग हम आपको घुस के दिखा दिए, अब दूसरा बिल्डिंग में हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे आपको अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व जो टिकट है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन टिकट के लिए हम आपको दिखा दिए, अब अनरिजर्व के लिए जो सामने आपको गाड़ी पार्किंग मिलेगा 2-व्हीलर का, उसी के बगल में अनरिजर्व टिकट आपको मिल जाएगा। यानी कि जब कभी भी आप आते हैं तो यहाँ से आप अनरिजर्व टिकट जो है वो आप ले सकते हैं। देखिए अलग अलग जो है यहाँ पे बनाया गया है काउंटर, जो कि काउंटर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 काउंटर है, जहाँ पे 5 काउंटर में आप अलग अलग जो भी टिकट है अनरिजर्व का, कहीं पे भी जाना है या फिर प्लेटफॉर्म टिकट लेना है, उन सभी टिकट को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे वेंडिंग मशीन में एक लोग भी रहते हैं जो कि आपको काट के दे देंगे। तो ये है अनऑफिशियल, अगर आपको मतलब सडनली जाना है तो जो है जनरल टिकट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसके लिए काउंटर है, और सामने के लोकेशन में इसी के सामने अगर आप देखें तो यहाँ पे मशीन लगाया गया है, जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। यानी कि प्लेटफॉर्म के अंदर जाना है तो इस वाले में आप अंदर जा सकते हैं, और साथ साथ में ये जो है आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाता है जनाहर, जहाँ पे आप जो है खाना पीना जो भी आपका शॉर्ट में नाश्ता वास्ता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ये सामने के लोकेशन में देखिए यहाँ पर आपको
कुछ कुछ चीज़ें मिल जाता है, खिलौना वगैरह। तो ये लोकेशन है कुछ रेलवे स्टेशन का, इधर से लोग जाते हैं ये सामने के लोकेशन में। यहाँ पे भी एक मशीन लगाया गया जो कि कौन सी ट्रेनें कब आ रही हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोकेशन है, इसमें आपको गाड़ी पार्किंग की सुविधा मिल जाती है, यानी कि टू व्हीलर जो गाड़ियां हैं वो रेलवे स्टेशन में अगर आपको पार्क करना है तो यहां पे आप पार्क कर सकते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन के सामने ही है। उधर आपको गुमटी वगैरह थोड़ा सा दुकानें वगैरह मिल जाता है, जहां पे आप कुछ अगर लेना हो कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो वो सारी चीज़ें आपको उधर वाले लोकेशन में मिल जाता है। ये सामने बिल्डिंग है यशवंतपुर का, आगे जो है एक मॉल है जहाँ पे वैष्णवी जो है जा सकते हैं, जहाँ पे डी मार्ट है मौजूद वहाँ पे मॉल वगैरह में आप जा सकते हैं। और साथ साथ में ये जो लोकेशन है यहाँ पे पूरा जो है बैठने की एरिया, ये सामने भी बैठने का एरिया बनाया गया है जहाँ पे आप बैठ के आराम से कंफर्ट होके रुक सकते हैं। जो बसें वगैरह आती हैं यशवंतपुर रेलवे स्टेशन में वो ये यहीं पे छोड़ेगी बसें, और फिर यहाँ से उतर के और फिर आप रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। और ये जो आपको सामने दिख रहा है यही है मेट्रो स्टेशन, जहाँ से आपको उतारा जाएगा यशवंतपुर मेट्रो स्टेशन में, और फिर आप यहाँ से आके और फिर ये जो है रेलवे स्टेशन का तय कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया, पूरी तरीके से बहुत ही खूबसूरत बनाया गया, यानी कि जब कभी भी आप आते हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है चूँकि 8 ही यहाँ पे ट्रैक है और 6 प्लेटफॉर्म है, तो ज़्यादा भीड़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये है कुछ इस तरीके से बाहर का लोकेशन। बाकी यहाँ का वेदर वगैरह भी बहुत ही खूबसूरत रहता है, जिसकी वजह से जब कभी भी आते हैं बहुत अच्छा लगेगा। पूरा जानकारी था कि मेट्रो स्टेशन जब कभी भी आप आते हैं तो उसी के नियरेस्ट में आपको यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पड़ेगा, जहां पे आप ट्रैवल कर सकते हैं और अपनी यात्रा को जो है वो प्रारंभ कर सकते हैं। तो रेलवे स्टेशन की सारी जानकारी आपको दी है, जो कि सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें यशवंतपुर मेट्रो स्टेशन का नाम है और रेलवे स्टेशन का भी नाम है। इसके अंदर जाएंगे तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से स्टार्टिंग होता है, यहाँ से बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन बनाएगा और जो कि यहाँ का इलेक्ट्रिफाइड रेलवे स्टेशन है, और जो काम है कंस्ट्रक्शन है वो अभी और भी चल रहा है, तो और भी बड़े में ये तब्दील होगा, और भी बड़े क्षेत्र में ये बनाया जाएगा, जिसकी वजह से जब कभी भी आप अगली बार आते हैं तो आपको ये और भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। BMTC का बस जो है वो आपको यहाँ पे लाके छोड़ेगी, अगर बस के माध्यम से आ रहे हैं तो, और अगर आप कैब के माध्यम से आ रहे हैं तो भी आपको यहीं पे छोड़ेगी, देन फिर यहाँ के अंदर आप जा सकते हैं। और अंदर जाने के बाद उस साइड पे जो है अभी जो है वो रेलवे स्टेशन और भी अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। तो मेन था बेंगलोर रेलवे स्टेशन, जब कभी भी आप आते हैं तो यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से अगर आपकी गाड़ियाँ हैं आपकी ट्रेनें हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। ये था रेलवे स्टेशन में, हर एक प्लेटफॉर्म में आपको खाने पीने की सुविधा, पानी, कोल्ड ड्रिंक ये सारी सुविधा मिल जाती है। रेलवे स्टेशन के सामने जो है आपको होटल मिल जाता है वेजिटेरियन का, और सामने के लोकेशन में उधर देखें तो उधर भी आपको जो है बहुत सारे मॉल मिल जाते हैं। सामने के लोकेशन में पैदल चलेंगे और ये पूरा जो लोकेशन है ये बैठने की सुविधा दी गई है, जो कि आराम से बैठ सकते हैं। और मेरे पीछे अगर आप देखें तो यही यशवंतपुर मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पे आप मेट्रो में भी ट्रैवल कर सकते हैं और ये अपनी यात्रा जो है वो आगे की ओर ले जा सकते हैं। तो मेट्रो की सुविधा बहुत अच्छा दिया गया है, और यहाँ पे मेजेस्टिक KSR जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने मेजेस्टिक रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन को जोड़ा गया है, और यहाँ पे यशवंतपुर मेट्रो स्टेशन का बाकी जो है ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको टर्मिनल 2 मिलता है, टर्मिनल 1 उस साइड पे, ये टर्मिनल 2 है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं।